निगम के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आवास के हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान दुर्ग सांसद और कलेक्टर शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवासहीनों को सौगात दी गई। इस दौरान आवास के पात्र हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया गया। बता दें, दुर्ग नगर निगम के स्वर्गीय मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन में मंगलवार को बड़ी संख्या में आवासहीन हितग्राहियों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करते उड़ीसा से अपना लाइव प्रसारण दिया। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल और दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर मौके पर शामिल रहे। इस संबंध में दुर्ग सांसद, कलेक्टर और निगम आयुक्त ने क्या कहा, वीडियो में देखिए। कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर से गृह प्रवेश प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कार्यक्रम भी हुआ है। इसमें जिले के सभी नगरीय निकायों में निकाय स्तर पे जो हितग्राही हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी जुड़े हैं। यहाँ पे माननीय सांसद जी, विधायक जी सभी उपस्थित थे और प्रधानमंत्री आवास शहरी को लेकर के जो उनका BLC घटक है, HP घटक है, सभी के हितग्राही यहाँ पे उपस्थित थे। गृह प्रवेश करवाया गया है। बाकी जो बचे हुए आवास हैं वो शासन के निर्देश के अनुसार समय सीमा में कम्प्लीट कराने के निर्देश दिए गए। 3 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक तौर पर चाबी सौंपी गई है। बाकी जिले में कुल 3700 के करीब हितग्राही आज वो गृह प्रवेश जो उसमें उनको चाबी दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज जिनका जन्मदिवस है, आपके माध्यम से हम पूरे दुर्ग लोकसभा की ओर से, दुर्ग नगरी की ओर से उनके जन्म दिवस पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की स्वस्थ कामना करते हैं। आज विश्वकर्मा जी की जयंती भी है, उसकी भी सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और आज के शुभ दिन में उड़ीसा से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लाखों हमारे प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित वाले वाली बहनें हैं, बहनों के नाम से आवास उनके नाम से ही रखा जाता है, इस गरिमामयी कार्यक्रम में आज सीधे प्रधानमंत्री जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं और हम सब भी अपने अपने निकायों में, अपने अपने जिलों में, हम ये जिला स्तरीय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये प्रतिबद्धता हमारे सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और उसी के फलस्वरूप जो वादे और जो संकल्प हमने चुनाव के समय लिया था, उन संकल्पों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं सभी जो जिन माताओं बहनों को आज आवास मुहैया करा जा रहा है, उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद महोदय जी थे, माननीय विधायक महोदय जी थे, नेता प्रतिपक्ष से हमारे महापौर जी भी थे, कलेक्टर मैडम भी थे। इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा कि दुर्ग निगम में लगभग 3600 आवास विगत दिनों में पूरे हुए हैं, जिसमें से 6 महीने के अंदर जो 503 आवास पूरे हुए हैं उनको मेनली आज गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसमें BLC और HP दोनों प्रकार के मकान हैं। अभी भी हमारे किरायेदारी के मकान अभी खाली हैं। जो कोई हितग्राही लेना चाहते हैं, विधिवत आवेदन करें, यथाशीघ्र उनको आवास दिया जाएगा। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।